नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि रिसीवर में कितना गैस रहना चाहिए। दोस्तों अगर आप प्लांट को बंद करना चाहते हैं तो आपको रिसीवर में कितना गैस छोड़ना चाहिए कि कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अगर इसको हम भर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा, इस टॉपिक पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं कि रिसीवर में कितना गैस रखना चाहिए। दोस्तों रिसीवर में गैस जो है ये 25-30% तक खाली रहना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं रखना चाहिए। 25-30% तक खाली रहना चाहिए, ये खाली रहेगा तो ही सुरक्षित रहेगा, ठीक है दोस्तों, अदरवाइज दिक्कत आ सकती है। लेकिन दोस्तों कई लोगों ने पूछा है कि अगर रिसीवर को बिल्कुल भर दें, ठीक है, तो फिर क्या होगा। दोस्तों रिसीवर को आप बिल्कुल ही भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बशर्ते कि आप कोई वापसी का और लिक्विड का वाल्व बंद ना करें तो, ठीक है। अगर मान लें कि इस रिसीवर में पूरी तरह ऊपर तक गैस फुल हो गया है, ठीक है, और हमने दोनों वाल्व जाने वाला भी और आने वाला भी दोनों बंद कर दिया, तो दोस्तों बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। दोस्तों इसका ध्यान रखें कि जब रिसीवर पूरी तरह फुल हो, वापसी का जो वाल्व है, वापसी का वाल्व बिल्कुल ही बंद ना करें, क्योंकि लिक्विड लाइन तो वाल्व बंद कर सकते हैं लेकिन वापसी का वाल्व नहीं बंद कर सकते। अगर वापसी का वाल्व जो कंडेंसर से आ रहा है वो बंद करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसका क्या फंडा है। फंडा ये है दोस्तों कि आप हवा को दबा सकते हैं, ठीक है, हवा को आप कितना भी दबा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आप लिक्विड को दबा नहीं सकते। अगर लिक्विड को दबाएंगे तो कहीं ना कहीं जाने की कोशिश करेगा, इसलिए दोस्तों अगर इसमें लिक्विड पूरी तरह फिल हो जाए और आपने ये भी वापसी का भी बंद कर दिया और लिक्विड लाइन का बंद ही रहेगा, दोनों बंद हो गया, तो इसमें जो प्रेशर बनेगा वो कहाँ जाएगा, वो कहीं ना कहीं तो निकलेगा ही, तो इसलिए इसमें 25-30% तक छोड़ा जाता है, क्योंकि जो प्रेशर है वो प्रेशर जो गर्मी के साथ, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर आपस में रिलेशनशिप होता है, तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर भी बढ़ता है, तो जब प्रेशर बढ़ेगा तो उसको तो जगह चाहिए कंप्रेस होने के लिए, इसलिए इसमें जगह होना चाहिए ताकि जब भी प्रेशर बढ़े तो उसमें ऊपर साइड में जो प्रेशर है, खाली जगह है, उसमें वो दबाव बन सके, ठीक है दोस्तों, या उसमें उसको रहने के लिए जगह मिल सके ताकि ये कहीं से और से लीक ना करे। उदाहरण के लिए दोस्तों आपने देखा होगा कि जितने भी हाइड्रोलिक्स होते हैं, हाइड्रोलिक्स में लिक्विड का यूज होता है जो ऑयल के रूप में होता है, तो अगर हम लिक्विड यूज करते हैं हाइड्रोलिक में तो वो कुशलता पूर्वक काम करता है, बहुत ही कुशल होता है, क्योंकि लिक्विड को दबाया नहीं जा सकता, इसलिए वो बहुत बढ़िया और कुशलता से काम करता है। अगर उसमें हवा से लेंगे काम तो हवा दबने लगता है और वो बढ़िया से काम नहीं कर सकता, ठीक है दोस्तों, इसलिए लिक्विड का यूज किया जाता है हाइड्रोलिक्स में। एक और उदाहरण दोस्तों आपने देखा होगा कि आप जब अमोनिया का सिलेंडर लाते हैं चार्ज करने के लिए प्लांट में गैस, तो वो आधा ही भरा रहता है, लगभग आधा ही होता है, ठीक है दोस्तों, तो किस लिए होता है कि जो भी प्रेशर बने वो प्रेशर को प्रेशराइज होने के लिए यानी कंप्रेस होने के लिए जगह चाहिए, ठीक है, अगर वो जगह नहीं मिलेगा तो वो ब्लास्ट कर सकता है, क्योंकि वो सिलेंडर तो कभी धूप में पड़ा रहता है, कभी ठंड में पड़ा रहता है, तो जहाँ गर्मी हो जहाँ धूप में हो वहाँ पर तो प्रेशर हाई हो जाएगा, तो अगर पूरा फुल कर देंगे गैस से लिक्विड से तो प्रेशर कहाँ जाएगा, तो सारा सिलेंडर ब्लास्ट हो जाएगा। अगर इसको हम पूरी तरह फिल कर देते हैं लिक्विड से और दोनों वाल्व बंद होता है तो ये बहुत बड़ी गलती होगी, आपने लिक्विड लाइन का भी बंद कर दिया और जो वापसी है कंडेंसर का ये भी बंद कर दिया, तो कुछ देर बाद जब इसका प्रेशर बढ़ेगा तो देखेंगे कि दोस्तों कि सबसे पहले ये अपने कमजोर हिस्से जो होते हैं वो ढूंढेगा। कमजोर हिस्से कौन कौन से हैं, यहाँ पर यहाँ देख सकते हैं कि ये ग्लैंड है, ठीक है, आगे इसमें कोई जो सेफ्टी वाल्व है ये कमजोर हिस्सा है, वहां से निकलना शुरू कर देगा। अगर ये सेफ्टी वाल्व काम नहीं करता तो यहाँ फ्लेंज है, फ्लेंज से लीक करना शुरू कर देगा, ठीक है, क्योंकि ये और ये डायरेक्ट है तो फ्लेंज से लीक करना शुरू कर देगा, और यहाँ भी जो है यहाँ ग्लैंड से भी लीक करना शुरू कर देगा, और गेज ग्लास जहाँ पर आप लिक्विड लेवल देखते हैं वहाँ उसको टाइट किया होता है शीशे को, उस वहाँ से लीक करना शुरू कर देगा। तो ये सबसे पहले अपना कमजोर हिस्सा देखेगा, कमजोर हिस्से से पहले लीक करना शुरू कर देगा, जैसे यहाँ पर फ्लेंज से, उसी तरह यहाँ घड़ी लगा है, यहाँ ग्लैंड जो है, कहीं भी इसको कमजोर हिस्सा मिलेगा वहां से लीक करना शुरू कर देगा, ठीक है दोस्तों।
अब ये आस्ते आस्ते शुरू हो जाएगा। अगर वो रास्ता लीकेज करने का कम पड़ गया तो ये सिलेंडर ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि इसको कंप्रेस होने के लिए कोई जगह नहीं मिल रहा है, तो लिक्विड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता, इसलिए वो कहीं ना कहीं जगह ढूंढेगा निकलने के लिए। तो देखेंगे दोस्तों, अगर ये सेफ्टी वाल्व लगा है, अगर काम कर गया तो ठीक है, अगर ये नाकाम हो गया तो रिसीवर का ब्लास्ट होना निश्चित है, रिसीवर जो है ये जरूर ब्लास्ट हो जाएगा। तो इस तरह का गलती कई बार हो चुका है, जो पूरी तरह जो फील्ड होता है लिक्विड से और दोनों बंद होने के कारण ये ब्लास्ट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका ध्यान रखें कि अगर पूरी तरह भरा हुआ हो तो दोनों वाल्व बिल्कुल नहीं बंद करें। चलिए, लिक्विड लाइन तो बंद ही रहता है, जब जरूरत पड़ता है तो खोलना जाता है, लेकिन डिस्चार्ज का जो है, जो कंडेंसर से आ रहा है, वो बिल्कुल बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी प्रेशर यहाँ बनेगा, अगर भरा हुआ लिक्विड रहेगा, वो कंडेंसर के खाली हिस्से में जाकर अपना जगह लेगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसको नहीं बंद कर सकते। तो ये दोस्तों, ये ध्यान देने वाला बात है कि इस तरह का गलती बिल्कुल न करें कभी भी। अगर पूरी तरह लिक्विड से भरा हुआ हो रिसीवर, तो दोनों वाल्व न बंद करें। दोनों वाल्व की मतलब कि आप कंडेंसर से आ रहा है वाल्व, वो बंद मत करें, बाकी तो बंद रहेगा ही, लेकिन कंडेंसर से जो आ रहा है वो बंद मत करें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इससे आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिली होगी। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।